अपने धर्म में ना छोड़ के दूसरे धर्मों को अपना रहे, दूसरे धर्म की स्त्री से प्रेम हुआ, तो प्रेम को मानना चाहिए ना मानना चाहिए, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या टुकड़ा करेंगे 2300। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नए वीडियो लेकर आया हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो है। वीडियो हमारे साथ फुल वॉच करें, इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का क्या राय है, डॉक्टर जाकिर नायक ने जो जिस तरह एक्सप्लेन किया है वो भी सब सुनना है। वीडियो प्ले करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आजकल के युवा और युवती अपने धर्म में ना छोड़ करके दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, कि अब जैसे मैं हो गया, चाची मानिए मैं सच बोलता हूँ कि मैं हूँ, जैसे मेरे दूसरे धर्म की स्त्री से प्रेम हुआ, तो प्रेम को मानना चाहिए ना मानना चाहिए, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और वैसे एक बात बताऊँ तो है जाएगा ना, डरियो तू के टुकड़ा करेंगे 2300 बंदे जी, नहीं गुना रुक रहे ऐसे ऐसे नैन करते हैं। वो विवाह से पहले का प्रेम जो है वो आपको गलत राह दिखा सकता है। आजकल के प्रेमी प्रेमिका को अगर प्रेमी मिलने ना आए तो ब्लॉक कर देता है। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं, सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे साइकिल का, एक पहिया रखेंगे ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं, नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुभान व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है कोई मूर्ति आगे नहीं है तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों
का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यक्सा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यक्सा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूं और मैं तकरीर एक दिया हूं, सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में इकसानियत दोनों किताब में। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वलामुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सुअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सुअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी इंसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शोहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्ता नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत है हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। तो नाज़रीन वीडियो सब आप भाई बहनों ने देखा, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह खूबसूरत वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाए, वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।